बड़ी खबर सामने आते हुए जहां मोदी कैबिनेट की बैठक का बड़ा फैसला सामने आया है, एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बता दें कि शीतकालीन सत्र में सरकार ये बिल लेकर आएगी। बड़ी खबर सामने आते हुए रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, एक देश एक चुनाव को अब सरकार शीतकालीन सत्र में लाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, मोदी कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, क्या लगता है कि क्या ये बिल पास हो पाएगा? देखिए बिल्कुल, और शीतकालीन सत्र में इस बिल को रखा भी जाएगा। हमने देखा है कि कई बार इस वन नेशन वन रिलेशन के प्रस्ताव की चर्चा कई बार हुई है। हाल ही में हमने देखा था, हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री ने भी चर्चा की थी कि वन नेशन वन रिलेशन जो है वो इसी कार्यकाल में होगा, यानी तीसरे कार्यकाल में, मोदी के कार्यकाल में उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। काफी मन से और ये भी बताया जा रहा था कि काफी खर्चा भी जो है इलेक्शन में आता है, तो ऐसे में एक साथ क्यों नहीं चुनाव होने चाहिए, अवधारणा को देखते हुए पहले यहाँ पर की गई है। कोविड कमेटी ने जो प्रस्ताव यहाँ पर दिया, रिपोर्ट यहाँ पर दी, उसका अब मुहर लग गई है। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी देखना होगा शीतकालीन के बाद में आखिरकार क्या कुछ आगे की पहल इसमें होती है, लेकिन ये जरूर है मोदी सरकार ने जो वादा इसका किया था कि मंडेशन वन इलेक्शन अवधारणा को साकार रूप दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं उस प्रस्ताव के माध्यम से आगे साकार रूप दिखाई दे रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि मोदी कैबिनेट की बैठक को बड़ा फैसला सामने आया है, जहां सरकार शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव के बिल को लेकर आएगी, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।